बहुत पुराने समय की बात है, एक गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी बहुत हैप्पी फैमिली थी, मम्मी पापा और वो सब खुशी खुशी रहते थे। पर एक बार उसकी मम्मी बहुत बीमार हो जाती हैं और उनको कोई ठीक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और वहां से शुरू होती है उसकी जिंदगी में मुश्किलें और दुख। थोड़े टाइम बाद उसके पापा दूसरी शादी कर लेते हैं और उसकी एक बेटी भी होती है, रश्मि। और शादी के कुछ दिन बाद उसके पापा अपने बिजनेस के काम से शहर चले जाते हैं। अब घर में बचते हैं रश्मि और उसकी सौतेली माँ। उसकी सौतेली माँ को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो दोनों उसकी सुंदरता से बहुत चलते थे। ए राधिका, इधर आ। जी माँ, बोलिए। अब तेरे पापा गए, अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। आप क्या कहना चाहती हो माँ? मैं बस इतना ही कह रही हूँ, अब से इस घर के सारे काम तू करेगी, झाड़ू पोछा और सब कुछ। और सुन, ये अपने कपड़े उतार और अपनी अलमारी से सारे नए कपड़े मेरी बेटी रश्मि को दे आछी। पर माँ, ये कपड़े तो मेरे हैं, ये मेरी माँ ने मुझे दिए थे। हाँ, गई वो, और अब ये मेरा घर है। ज्यादा जबान लड़ाएगी तो तुझे कमरा भी नहीं दूंगी मैं इस घर में रहने के लिए। पर माँ, ये मेरा घर है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ जाऊंगी? तू नहीं मानेगी, आज से तू इस घर के बाहर जानवरों के बीच गाय भैंस और मुर्गी के साथ सोएगी। चल चल जल्दी अपना बिस्तर उठा और लेकर जा, मेरा टाइम खराब ना कर। पर माँ। और राधिका रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो अपने सारे कपड़े रश्मि को दे देती है। माँ देखो मेरे नए कपड़े। इसको देखो, बड़ी सुंदर बनी फिरती थी ये। और राधिका फटे पुराने कपड़े पहने खड़ी होती है। ले बाल्टी और लगा पोछा, चमका पूरा घर, और उसके बाद हमारे लिए आज पनीर बनाइयो। वो लग जाती है काम पर। वो बहुत देर तक किचन में खाना बनाती रहती है और दूसरी तरफ माँ बेटी मस्त खाना खाती हैं। रात हो जाती है, वो तब भी काम में लगी रहती है। और थोड़ी देर बाद पशुओं के पास मुर्गी गाय भैंस के पास सोने चली जाती है। वो पूरी रात रोती रहती है, उसको अपनी माँ की बहुत याद आती है। वो कितने प्यार से रखती थी उसे, राजकुमारी की तरह, और अब उसकी जिंदगी पूरी खराब सी ही हो गई थी। दुख ही दुख था, ना खाने को मिलता अच्छा, ना कपड़े। ऐसे ही सुबह हो जाती है, अगला दिन होता है, और वो दिन भी रोज की तरह ही चला जाता है। तभी एक दिन गांव में घोड़े पर सवार महल से कुछ सैनिक आते हैं। सुनो सुनो सुनो, आप सभी के लिए एक घोषणा की जा रही है हमारे राजकुमार की तरफ से। अगले हफ्ते राजमहल में राजकुमार का स्वयंवर किया जा रहा है, जिसमें राज्य की सभी लड़कियों को आना है। हमारे राजकुमार आप सब में से ही एक लड़की चुनेंगे, जो उनको सबसे ज्यादा पसंद आएगी वो ही बनेगी हमारी रानी। जैसे ही रश्मि ये सुनती है, वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी और बनूंगी रानी, और फिर पूरी जिंदगी ऐश ही ऐश। और वो घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। अरे वाह, मेरी बेटी तो सबसे सुंदर है, तू चिंता मत कर, रानी तो तू ही बनेगी। चलो माँ बाजार चलते हैं, कपड़े लेने सुंदर सुंदर, गाउंस देखेंगे, लहंगे देखेंगे, और फिर पार्लर भी तू जाना है। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल जैसा तू बोलेगी वही होगा। और ये बात राधिका के कानों में भी पड़ जाती है कि एक प्रोग्राम होने वाला है, उसको भी वहाँ जाना था। वो भी नाचना चाहती थी, इंजॉय करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ रश्मि और उसकी माँ बाजार जाते हैं, बाजार में सुंदर सुंदर लहंगे देखने। और वो शाम को लौट आते हैं शॉपिंग खत्म करके।
माँ ये लो पानी, ला दे इधर। माँ वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बात बात बाद में, जा जल्दी हमारे लिए खाना बना, हम बहुत भूखे हैं। और वो दोनों राधिका की कोई बात नहीं सुनते, उल्टा उसे काम में लगा देते हैं। ऐसे ही वो दिन आ जाता है जिस दिन उनको राजमहल जाना था। रश्मि मस्त सो के उठती है। अरे वाह आज तो राजमहल जाना है, आज तो मैं राजकुमार से मिलूंगी। और सबसे सुंदर लगूंगी, और राजकुमार मुझे नहीं पसंद करेंगे तो किसको करेंगे आखिर। ए राधिका इधर आ, मेरी तैयार होने में मदद कर, मुझे आज सबसे सुंदर दिखना है। अरे 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 ध्यान से, महंगा मेकअप है मेरा, खराब मत कर दियो। तुझे क्या पता मेकअप कितना महंगा आता है। सुबह से शाम हो जाती है और उसकी माँ वहाँ आती है। अरे वाह आज तो मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, यही चमकेगी आज तो पूरे राजमहल में। सच माँ? हाँ बेटा आज तू बिल्कुल परी जैसी लग रही है। तभी राधिका बोलती है, माँ माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल जल्दी, मुझ पर ज्यादा टाइम नहीं है। माँ मैं भी राजमहल जाना चाहती हूँ। शकल देखी है तूने अपनी, तेरे से ज्यादा सुंदर तो महल में नौकरानी होगी, बड़ी आई महल में जाने वाली। जा चुपचाप उन जानवरों के साथ जाकर सो जा, और हाँ सारा काम खत्म करके जाइयो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो माँ चलते हैं, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। और वो दोनों चली जाती हैं महल की तरफ। राधिका बहुत रोती है उनके जाने के बाद। तभी अचानक से बहुत तेज रोशनी आती है और एक काली परी आती है उसके सामने। उठो राधिका आप कौन हो? मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है तुम्हारे लिए। अच्छा मेरी माँ भी मुझे याद करती है क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे पता है तुम क्या चाहती हो, आज तुमको राजमहल जाना है ना, तुम जरूर जाओगी। पर मैं कैसे जा सकती हूँ, देखो मेरे कपड़े कितने गंदे हैं और मैं सुंदर भी नहीं लग रही। अरे तो ये लो, और जादू से राधिका बहुत सुंदर लगने लगती है। बहुत सुंदर सा लहंगा और सुंदर से बाल, वो चमकने लगती है बिल्कुल, और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। सुंदर तो तुम लग रही हो, पर मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। मेरा ये जादू रात 12 बजे तक ही चलेगा, तुमको 12 से पहले वापस आना होगा, नहीं तो सबको तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी। हाँ मैं ध्यान रखूंगी। और वो काली परी वहीं खड़ी एक गाय को जादू से घोड़ा बना देती है और निकल पड़ती है वो महल की तरफ। वहीं दूसरी तरफ महल में सब एंजॉय कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, पर राजकुमार एक कोने में खड़ा होता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना ही कोई लड़की उसको पसंद आ रही थी जिससे वो शादी कर सके। मामा देखो ये राजकुमार तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। अरे बेटा चिंता मत कर, तुझे ही देखेंगे, अभी ज्यादा लोग हैं ना। और तभी महल में एंट्री होती है राधिका की। वो जैसे ही अंदर जाती है तब उसको देखते ही रह जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, चमक रही थी उसकी ड्रेस, यहाँ तक कि उसकी माँ और बहन भी उसको नहीं पहचान पाते। और जैसे ही राजकुमार उसको देखता है वो उसको पहली नजर में ही पसंद करने लगता है। वो उसके पास जाता है। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल। और वो साथ में डांस करने लगते हैं। और तभी उसकी नजर पड़ती है घड़ी पर जिसमें 12 बजने वाले होते हैं। वो फटाफट महल से भागती है। अरे रुको कहाँ जा रही हो तुम? मुझे जाना होगा राजकुमार, मैं और नहीं रुक सकती यहाँ। और वो चली जाती है, पर जल्दी जल्दी में उसका एक सैंडल वही महल में रह जाता है।
राजकुमार उसको उठा लेता है और वो अपने सैनिकों को आदेश देता है, जाओ सैनिकों पूरे राज्य की हर लड़की को ये सैंडल पहना कर आओ और देखो ये किसका है, जिसका भी हो उसको महल में ले आओ। राधिका भी अपने घर आकर पुराने रूप में ही आ जाती है और पसंद तो वो भी करने लगती है राजकुमार को। वो मन ही मन उसके बारे में सोच रही होती है, क्या राजकुमार उसको पसंद करेंगे जब उनको पता चलेगा कि वो तो अपने ही घर में नौकरानी बन के रहती है। तभी उसके घर पर आते हैं सैनिक राजमहल से। अरे आइए, कैसे आना हुआ? राजकुमार ने बोला है जिस भी लड़की को ये सैंडल आए उसको हम अपने साथ राजमहल ले जाएं, वही बनेगी हमारी रानी। अच्छा ऐसा है क्या? वो फटाफट रश्मि को बोलती है, चलो बेटा ये सैंडल पहन के दिखाओ इनको और बता दो सबको तुम्हारी ही सैंडल थी ये जो महल में छूट गई थी कल रात। रश्मि वो पहनने की कोशिश करती है, अरे देखिए ये मेरे आ गई, ये तो मेरी ही सैंडल है। ये सैंडल आपके नहीं है, आप हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। और दोनों माँ बेटी का मुंह बन जाता है। सैनिक घर से जाने लगते हैं, तभी उनकी नजर पड़ती है वहीं पास ही फटे हुए कपड़े पहने हुए पोछा लगा रही एक लड़की पर। अरे तुम इधर आओ, तुम भी ये सैंडल पहन के दिखाओ। अरे आप भी किसको बोल रहे हो, ये तो हमारी नौकरानी है, इसे कहाँ आएंगे ये सैंडल, इसने तो कभी देखे भी नहीं होंगे ऐसे सैंडल। आप चुप रही है, राजकुमार के आदेश सभी लड़कियों के लिए हैं ये सैंडल पहनने के लिए। और वो राधिका को वो सैंडल पहनने को बोलते हैं और राधिका को वो सैंडल आ भी जाते हैं। और तभी उन सैनिकों में से एक सैनिक अपना मुखौटा हटाता है और वो होता है राजकुमार। तुम ही थी ना जो रात में मेरे साथ नाच रही थी, तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गई? मैं तुम्हारे पीछे भी आया था और तुम मुझको कहीं मिली ही नहीं। मुझे लगा आप मुझे पसंद नहीं करोगे, अगर आपको पता चला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं अच्छी भी नहीं दिखती। अरे तुम्हें किसने कहा तुम अच्छी नहीं दिखती, तुम बहुत सुंदर हो, चलो मेरे साथ चलो अब महल में, तुम ही बनोगी अब मेरी रानी। और वो राधिका को अपने साथ महल ले जाता है और रश्मि और उसकी सौतेली माँ देखती रह जाती हैं। उसके बाद वो राजकुमार राधिका से शादी कर लेता है और वो दोनों हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये सौतेली माँ और काली परी के जादुई लहंगे की कहानी, हमें कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही जादुई और मजेदार कहानियां देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।